रहमान रहीम। आज 15 रमजान है, अभी रात की सहरी, अभी सुबह जो सहरी हुई इसमें गवर्नर सिंह और हसन खुर्शीद साहब पाकिस्तान के नामवर नाथ खां और असद अयूब साहब आए थे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आज 15 ही रमजान है। एक मैंने ट्विटर पे पोस्ट देखी जिसको बड़े बड़े लोग, बल्कि एक तो दो बड़ी बड़ी शख्सियात ने ये भी लिखा कि हाँ मैं भी रोजाना वहां से गुजरती हूँ और वहां से अब जो है वो डायलिसिस सेंटर पिछले 2 सालों से वहां नजर नहीं आ रहा। और आज उन्होंने पोस्ट लगाई, आए देखें किस तरह जब आप माफियाज के खिलाफ काम करते हैं तो माफियाज अपने लोगों को खड़ा करके किस तरह आपके खिलाफ कैंपेन चलाती है। पहले तो पहले रमजान से कैंपेन चला रहे थे कि भाई डोनेशन ही नहीं देना जेडीसी को। बड़ी मजबूत कैंपेन चल रही है, बड़े बड़े लोगों ने इसमें हाथ साफ किए, हाथ धोए, किस किस के मीडिया सेल चले, सारी तफसीलात हैं, कहाँ कहाँ किस किस सेठ के घर में मौजूद, तकरीब में किसने क्या किया, सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब आप ये देखिए, इधर आइए, ये यासिर खान है, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो, ट्विटर पे लिखते हैं इनका ब्लू टिक है। गुलशन इकबाल में तकरीबन कोई साल दो आए, अंदर पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, यासिर अम्मार खान यासिर हैं, @ अम्मार खान यासिर। गुलशन इकबाल ने तकरीबन कोई साल दो साल पहले जेडीसी ने एक डायलिसिस सेंटर कायम किया और इसकी वीडियो बनाकर आवाम को दिखाया कि करोड़ों रुपए की मशीनियां रखी है, करोड़ों का इलाज यहां लोगों का बिल्कुल फ्री होगा, रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के साथ आने वालों को लाखों का खाना, तस्वीरें वीडियोज बनाकर एक महीने में ये लोग सेंटर बंद करके गायब हो गए और अब चर्सी मवाली यहां नजर आ रहे हैं। और ये इन्होंने तस्वीर लगा दी अपनी किसी बिल्डिंग की जो वीरान पड़ी है और जिसपे किसी कोचिंग सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके नीचे इन्होंने क्या करना है, ये देखें 3298 यानी 3298 लोग इसको रिट्वीट कर चुके हैं, 322 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 6000 लोग लाइक कर चुके हैं। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, ब्लू टिक मिल जाने का मतलब ये नहीं आप सच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन ये बताएं आज कितने मरीजों में डायलिसिस हो चुके हैं? 10 पेशेंट्स हैं। नाम बताएं। सुहेल खालिद, एजाज मुसर्रत, गुफरान शकील, अब्दुल कादिर, नुसरत शाकिर और मारिया बेग। ये परमानेंट वाले इनका आज डायलिसिस हुआ है। बिल्कुल। अभी कितना बड़ा जुल्म है ये देखें, जब आप नो कैश काउंटर लिखते हैं और माफियाज का पैसा रुकता है, जो पैसे लेके महीनों का 3-3 लाख का डायलिसिस कर रहे हैं एक मरीज को, जब उनके फ्री में डायलिसिस होते हैं, तो इस तरह माफियाज लोगों को गुमराह करती हैं। मैंने आपको यहां खड़े होकर आगे वीडियो दिखा दी। अब सोचे कि जब नफरत फैलाई जाती है तो कितनी स्पीड में रिट्वीट होती है। अब ये मैंने पॉजिटिव चीज दिखाई ना, ये मुश्किल से 50 भी रिट्वीट नहीं होती। क्यों? ये जो माफियाज हैं ये ब्लू टिक इनकी आईडी पे लगा है। अब मैं तो यही गुजारिश करूंगा हर बंदे से कि इनको रिपोर्ट करें, इनकी आईडी भी बंद करवाएं। और उन तमाम लोगों को, एक बहुत बड़ी सहाफी है खातून, उन्होंने भी, मैंने भी देखा शायद उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको नाम नहीं दिखाता, मेरा मोबाइल चले मैं आपको दिखाता, अफसोस ही कर सकते हैं। मतलब कोई कह रहा है कि मैं तो यहां से पिछले 1.5 साल से गुजर रहा हूं, 1.5 साल पहले मैंने देखा था यहां डायलिसिस सेंटर, तो उसके बाद तो बंद हो गया। अरे भाई हर हफ्ते इसीलिए तो तस्वीरें डालते हैं हर हफ्ते कि आज गुलशन के डायलिसिस सेंटर में इतना रश है, आज इतना रश है, आज इतना रश है, आज इतना रश है। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को लाजमी रिट्वीट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिएगा। ये है जुल्म कि जब आप माफियाज के खिलाफ खड़े होते हैं तो बहुत साफ सुथरी शक्लों में लोगों को सामने खड़ा किया जाता है, उनके मुंह से झूठ, जहर, नफरत, लिसानी तासुब, फिरकावारियत, वो जहर फैलाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हमने कभी सफाई नहीं दी। ये इसलिए बताने आए हूं कि 2-3 मोतबर तरीन लोगों ने इसको रिट्वीट किया और ऊपर लिख दिया कि हाँ हम भी नोट कर रहे थे कि ये बिल्डिंग तो टूट चुकी है और गिर गई है बिल्डिंग, वहां ही नहीं बिल्डिंग, ये डिस्को बेकरी है, उसी गली में बिल्डिंग है और ये हमारी जाती मिल्कियत है जेडीसी की भाई, और यहां पर डायलिसिस हो रहा है, अगर हम पे यकीन नहीं, पेशेंटों के घर चले जाओ, पेशेंटों से बात कर लो। इस वीडियो को लाजमी रिट्वीट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।